सो गाइस, मैं आ चुका हूँ येल्लो रॉक केव्स के यहाँ, जहाँ वेरुल लेनी भी कहते हैं, जहाँ पे कैलाश मंदिर भी है, जो पहले शिखर बन के मेन पाया तक बनाया हुआ है, एक ही पत्थर में जो मंदिर बनाया हुआ है, वहीं पे मैं आया हूँ। आपको दर्शन भी करा दूँगा और लेनी भी दिखा दूँगा। यहाँ पे 16 नंबर और 10 नंबर की दो मेन लेनियाँ है, वो देखनी है। तो चलिए, सो गाइस, जब गेट से आप एंट्री करते हो, सामने ही आपको टिकट घर मिलेगा, वहाँ से टिकट ले सकते हो। 40 रुपीस टिकट है, और कैमरे के लिए अलग ही वही सीन है औरंगाबाद का, 25 रुपये कैमरे के लिए टिकट है। वही पर्ची बना के देते हैं और पर्ची फाड़ देते हैं। तो यहाँ पे चेकिंग वाले हैं, तो इनको दिखाएंगे पर्ची और अंदर चलेंगे। तो इंडियन का फ्लैग है, देख सकते हो। सो गाइस, ये देख सकते हो 16 नंबर केव है, और ये कैलाश टेम्पल है, जो कि पहले ऊपर से तराशा गया और नीचे तक बनाया गया, तो एक ही पत्थर में ये बनाया हुआ है। तो चलिए आपको दिखा दूंगा। मध्ययुगीन काल से ऐसे कई प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, जिनके अनुसार इस शैल मंदिर को मणिकेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसे एलापुर साम्राज्य की एक रानी मणिकवती द्वारा बनाया गया था। प्रवेश द्वार पर दो मंजिला गोपुरम स्थित है। प्रवेश द्वार के किनारों पर शव और वैष्णवों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार से दो भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारों स्तंभित तोरण पत्थों से घिरे हुए हैं। उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक प्रांगण में एक विशाल एकल चट्टान है, जिसमें एक अध मदक हाथी को उकराया गया है। कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद कमल के फूल पर विराजमान गजलक्ष्मी की नक्शेदार मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर का शिखर इसके नीचे के प्रांगण से 96 फुट ऊंचा है और अष्टकोणीय है, जो द्रविड़ वास्तुकला की एक अनोखी विशेषता है। कहा जाता है कि मुख्य मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां की चढ़ाई प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ग की ओर बढ़ना दर्शाती है, और इसका लंबा नुकीला शिखर स्वर्गीय क्षेत्र के एक विकल्प का कार्य करता है। मुख्य मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, और शिवलिंग के बाहरी दरवाजों पर गंगा जमुना को दर्शाने वाली मूर्तियां बनाई हुई है, और दरवाजे के ऊपर अन्नपूर्णा की मूर्तियां बनाई गई है, और मंदिर बहुत सारे मूर्तियों से सजाया गया है। तो यहाँ पे आते हो तो आपको 40-50 में गाइड मिल जाएगा, जो कि वहाँ वहाँ की आपको जानकारी बता देगा। मंदिर देखने के लिए आपको पूरी जानकारी लेने के लिए 2 दिन तो लग ही सकते हैं, इतनी सारी मूर्तियाँ। और यहाँ पे मंदिर की संरचना के अंदर 45 फुट ऊंचे दो कीर्ति स्तंभ भी है। कभी इन स्तंभों के शीर्ष भाग पर बना त्रिशूल अब नष्ट हो गया है। मंदिर की बाहरी हिस्सा में राउंड फिगर गुफाएं और गुफाएं में बहुत सारी मूर्तियां दर्शाई गई है, जो कि विष्णु पुराण और शिव पुराण को दर्शाती है। तो आपको यहाँ कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ भी गाइड मिलेगा, जो कि आप गाइड लेके देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
ये कई मूर्तियां विष्णु को दर्शाती है। आप सामने देख सकते हो विष्णु का वराह अवतार है। तो यहाँ कई सारे आश्चर्यचकित और कई सारे सुंदर मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। मंदिर के किनारे बने हुए परिक्रमा पथ पर 5 सहायक मंदिर पंक्तिबद्ध है, जो 3 नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती के सम्मान में बनाए गए हैं। अब दिखने वाली मूर्ति रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाती है पट्टिका। सो गाइस, जो कैलाश टेम्पल है उसे गुफा नंबर 16 दी गई है, तो उसी के दाएं बाएं साइड वहाँ मैप दिया हुआ है, उसी से आप ट्रेवल कर सकते हो। गुफा नंबर 10 और 16 ये देखने ही चाहिए, कुछ नहीं देखे तो। 34 गुफाएं है, तो वो 34 गुफाएं कॉमन रहती है, तो इसलिए वो क्या विजिट करने के लिए बहुत लंबे लंबे दूर दूर है, तो उसके लिए घूमने की ज़रूरत नहीं। तो 10 और 16 के उधर 10 है और इधर मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, तो दो बहुत सारे है, लेकिन आपको दिखा दूंगा, मैं आपको सब दिखा दूंगा, लेकिन आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए। सो गाइज, मैं अभी हूँ कैलाश टेम्पल के बाजू के, वहाँ खड़े होने की जगह है। पहले इधर से धबधबा आता था, लेकिन अभी नहीं, वो बंद करके रास्ता बनाया गया है। जो पूरा 200 साल इस टेम्पल को बनाने लगे थे और एक ही पत्थर काट को बनाया गया। ये पहाड़ दिखता है ना, ये पहाड़ ही काट कर इसको बनाया गया है। ये पूरा पहाड़ था जब बनाया हुआ, बनाने वाले थे तब पहाड़ काट काट के बनाए हुए। देख सकते हो कितनी नक्शी और लाखों मूर्तियाँ, करोड़ों मूर्तियाँ इस मंदिर में लगी हुई है। तो ये मंदिर देखने जैसा आपको है, तो यहाँ पे आना आपको पड़ेगा एक ही बार, कभी ना कभी एक बार। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, उसी लिए आते हो तो यहाँ केव्स आके देखो। यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी है, तो आपको वो भी बता दूँगा। तो चलिए, कैलाश मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कैलाश मंदिर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई 100 फुट से भी ऊंची। इस मंदिर का चित्रकरण इंडियन 20 रुपीज़ के नोट के ऊपर किया गया है, आप देख सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आगे कई सारी गुफाएं हैं। और आपको वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से आप आगे का वीडियो देख लीजिए।